हाँ, उड़ीसा में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए तो महानदी बिल्कुल सूख गई है, बिल्कुल मर गई है, एक बूंद पानी नहीं आ रहा। फ़र्क पड़ता तो छत्तीसगढ़ सरकार लड़ती और उड़ीसा के चासी, उड़ीसा के मछुआरे और उड़ीसा की माँ महानदी, इसमें पानी बहता। इनकी इनकी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए महानदी मर गई है। मैंने परसों यहीं से यात्रा शुरू की थी और कल सुबह सुबह कलमा बैराज पे जाके देखा कि कलमा बैराज के नीचे एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। कलमा बैराज में 66 गेट हैं, 66 गेट ऐसे पैक्ड बंद हैं कि एक बूंद नहीं आ रहा। उसके 7 किलोमीटर नीचे तक हम सूखा सोडा तक यात्रा की, जहाँ से 3 साल पहले आपके मुख्यमंत्री ने यात्रा की थी शुरू, वहाँ गए, वहाँ भी एक बूंद पानी नहीं था, केवल माइनिंग करने वाली बड़ी बड़ी मशीनें थी। महानदी की हत्या देख के मेरी आंखों से तो पानी बहने लगा, पर मुझे दुख इस बात का है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की आंखों में पानी नहीं बह रहा है। को मालूम है मैंने 4 साल पहले क्या कहा था? मैंने कहा था कि ये मामला यदि ट्रिब्यूनल में जाएगा तो ये कावेरी जैसा भयानक विवाद हो जाएगा। कावेरी के विवाद को 56 साल हो गए, एक अदालत में चलते हुए आज तक फैसला नहीं हुआ ना, किसी को लाभ नहीं हुआ। जजों को नौकरी पक रही है और वकीलों की फीस पक रही है, वैसा ही इसमें हो रहा है। ये सरकार यदि सीरियस होती तो महानदी में पानी के फ्लो का राइपेरियन राइट उड़ीसा सरकार को है। 11 अक्टूबर 2018 को भारत सरकार ने इन्वायरमेंटल फ्लो के लिए एक नोटिफिकेशन किया था। उस एक्ट में लीन सीजन में 30% मिनिमम फ्लो देना होता है नदी में। महानदी किसी एक राज्य की नदी नहीं है, 5 नदियों की नदी, 5 राज्यों की नदी है। 2 राज्यों में तो ये पूरी बहती है और 3 राज्यों में इसका बेसिन है, 5 राज्यों की नदी है। तो ये राष्ट्रीय नदी है। राष्ट्रीय नदी में जो राष्ट्रीय कानून है उसको लागू करवाना, ये राष्ट्रीय सरकार की जिम्मेदारी होती है। इंडियन डेमोक्रेसी में ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। तो सबसे पहली जो एक नंबर की हत्यारी है वो तो भारत सरकार है, कि उन्होंने अपना एक भी कानून, जो उनके बने हुए कानून हैं, वो महानदी पे उनकी रक्षा नहीं की, उनको लागू नहीं किया। और दूसरे नंबर की जो हत्यारी है वो छत्तीसगढ़ सरकार है, जिसने महानदी का पानी 7 इंडस्ट्रीज को एक कंसोर्टियम बना के उसको सौंप दिया। और तीसरे नंबर की हत्यारी आपकी उड़ीसा सरकार है, जिसने 3 साल पहले हमारे इस आंदोलन के साथ वो रात दिन दिखते थे खड़े हुए। 3 साल पहले तो सारी पार्टियां दिखती थी, ऑल पार्टियां, पर आपकी पार्टी लीड कर रही थी, बीजेडी। अब कहाँ चली गई ये 3 साल में, उसने क्यों नहीं कुछ किया? भाई ये तो पावर में है ना, उड़ीसा के पहले भी यही पावर में थी, अब भी यही पावर में। ये एक अच्छे से स्ट्रॉन्ग ट्रिब्यूनल को एफिडेविट दे के कहती कि सबसे पहले हम आगे की बात जब करेंगे, पहले हमें हमारा जो राइपेरियन राइट है और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 11 अक्टूबर 2018 का, उसके अनुसार नदी में फ्लो दो। आंदोलन तो कितने साल से चल रहा है? 7 साल से चल रहा है, समझ में आई? तो आंदोलन तो केवल सरकार को ध्यान दिलाने के लिए, सरकार की जिम्मेदारी है उसको ध्यान दिलाने के लिए। ये 2 दिन का तो सत्याग्रह है, कल शुरू हुआ था, आज ख़त्म हो जाएगा शाम तक। हो सकता है ये साथी लोग इसको आगे कंटिन्यू करें, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार और उड़ीसा सरकार अपना नदी के प्रति कर्तव्य समझें, केवल राइट नहीं ड्यूटी भी समझें। इसलिए हम लोगों का
ध्यान इस बात पे है कि यदि ये ट्रिब्यूनल ठीक से काम नहीं करेगा तो इस ट्रिब्यूनल के खिलाफ दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करेंगे कि भाई इसको जितना तुमने समय दिया था उससे तो इसने डेढ़ गुना समय लगा दिया, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, इंट्री ऑर्डर भी नहीं दिया। तो एक तो हमारी इच्छा ये है कि ये आंदोलन जो 2019 में बहुत ज़ोरों पर था, 20 में भी ज़ोरों पर था, और ये सारी उड़ीसा के लोग भी और थोड़ा पानी के लिए लालायित थे, इनको ज़रा दोबारा से याद आए कि ये ट्रिब्यूनल के बहाने घर बैठने से पानी नहीं मिलेगा, इनको सीधे के सीधे ट्रिब्यूनल के पास अपनी विद एविडेंस अपने राइट के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिटीशन देके राइट मांगना चाहिए। देखो तो नदी खाली महानदी ऊपर आक्रमण ही नहीं, आमर ओडिशा रो विभिन्न अंचल आम भी गोटे जिलार केन्दुझर जिलार आसू से भी नदी अवस्था यही एटी ताकू कॉर्पोरेट मान को टेक दी छत्तीसगढ़ सरकार आमर स्टेट टेक दी आमको ओडिशा सरकार तो समूह भाव में कॉर्पोरेट मान प्रेसर रही पानी को केमती एक्सट्रक्शन करेंगे बोली आमे आमर जो जत्राटी विगत दिन में महानदी जत्रा आगुरी तार किसी ना कि परिणाम आम पाइचे ट्रिब्यूनल जमी गठन है कि दुर्भाग्यर कथा ट्रिब्यूनल कौन सी संगठन केवे आवेदन की तार पिटिशन दे पार नहीं सत्या राज्य सरकार को ही जीवाक पड़ो दुख लगे जे चार वर्ष बीतीगला एन पर्यंत तार आम हियरिंग आरंभ हो पारे विशेष भाव में चाषी मैंने क्षति होती तो सहित से अंचल बसवास कर लोक मैंने पर चाष जो मैंने करते क्षतिग्रस्त होती एंड ओवरअल मुझे कह निश्चित भाव से अंचल लोक क्षतिग्रस्त होती संपूर्ण सिविलइेसन क्षति कर सारा ओडिशा से क्षति बहन करमर इना नवेदन रोच दाबी रोच तुरंत पॉलिटिकल डायलॉग टी आरंभ हो ट्रिब्यूनल पर भरोसा न करी पॉलिटिकल डायलॉग माध्यम एक आपस बुझामणा करी अंचल को न्याय दिया जाऊ नदी को न्याय दिया जाऊ आपको निश्चित भाव में जमी कहते आमर आम आंदोलन करूँ आंदोलन करी सरकार को चेतवार कार्यक्रम आम रही आज आम सत्याग्रह बस आगामी दिन आउ कौन पदक्षेप आम ग्रहण करूँ कि ट्रिब्यूनल भरसा आम आज बसवाप चाहूना और राज्य सरकार को आम नवेदन रोचे सी ट्रिब्यूनल को विशेष ये न करी पॉलिटिकल डायलॉग पर विशेष गुरुत्व देकि यार आपस बुझा समय निश्चित भाव में मोर व्यक्तिगत अभिज्ञता रोचे जेहेतु मु भी गोटे अंचल आसूँ भी मुझे व्यतीव्यस्त हो गई आप देखिए गत काली केन्दुझर जिले में ट्रक मालिक मैंने गोटे धारणा गोटे आंदोलन करते कलेक्टर सामने रे जोटी कॉर्पोरेट हाउस मानक स्लरी पाइपलाइन परमिशन दि जाए छः सात स्लरी पाइपलाइन परमिशन कंपनी मानक दि जाए जो जगार जो राज्य में चाषपी पानी अभाव रोचे जो लोक पीवाई पानी अभाव रोचे से जगार स्लरी पाइपलाइन मिनरल ट्रांसपोर्ट करने जो परमिशन दौरान यह निश्चित भाव में सरकार दोमुआ नीति को प्रदर्शित करुच्चे गोटे बड़े महानदी पाने पर ट्रिब्यूनल फाइट करते आउ गोटे आड़े जो स्टेट नेचुरल रिसोर्स को कॉर्पोरेट हाउस को टेक दि जाऊँच यह निश्चित भाव में चिंतार विषय आमपाई सरकार यार विरोध रहा निवेदन करी। जैसे लोगों को विश्वास है कि मेरे रेस्टोरेंट में बढ़िया खाना मिलता है वैसे ही घर हो या रेस्टोरेंट मुझे विश्वास है मेरी बेटी के जबान के चटकारे क्योंकि इसे टेस्ट और स्वाद की बहुत पहचान 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना मेरे जायके का सीक्रेट परिचय मसाला क्योंकि इसमें है प्रकृति का स्वाद परिचय मसाला जायका ऐसा माँ के हाथों जैसा। आमर एपरी वीडियो देखिबा पई आमो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु वो आम बेल आइकन को बजेबा पाई जमारो भूलिबे नहीं।